इश्क मेरी है आरज़ू, तेरा इश्क मेरी पनाह है, है गुनाह इतना हसीन अजान दुल्हा नहीं बनेगा तो दुल्हा। अरे सुरैया बेगम, दुल्हा वही है, बस दुल्हन बदल गई है। क्या है कि हमारे अजान मियां ना कोई लंदन वाली उठा के लेके आए। झूठ बोलो तो कवा खाऊं, कोई गोरी मीम ले आए। अरे नहीं सुरैया बेगम नहीं, वो क्या है कि कोई शायरा नाम की यतीम लड़की है। यतीम लाने लंदन क्यों गया था? यतीम तो यहाँ भोपाल में बतेरी पड़ी है। यार कोई बात नहीं, अच्छा ही है, वो नौकरानी की बेटी से तो जान छूटी, उससे तो निकाह नहीं होगा कम से कम। अगर हो भी जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? आसमान तो टूट ही पड़ता, आपको पता नहीं उससे भी बुरा होता। अगर वो मुंह फट कैंची जैसी जुबान वाली लड़की से निकाह हो जाता है ना, तो बहू बेगम बनते ही वो सबसे पहले हमें यहां से निकाल देती। अच्छा हुआ उसे जान छूट गई। सुरैया बेगम, हमारी ऐसी किस्मत का, उस नूर से जान छूटी तो ये लंदन वाली हमारे गले पड़ गई, और हमने तो यहां तक सुना है। दूसरे दरगाह पे सफीना के शोहर का मुंह बंद कर दिया, और आते के साथ ही वो सबकी आंख में चढ़ गई है, और वो भी खासकर बहू बेगम की नस्ल। माशाल्लाह। नूर का निकाह अजान से नहीं हो रहा है ना अम्मी? अबू आप बात कीजिए ना नूर से, मेरे निकाह की बात कीजिए ना। खालिद, अरे बाबू अब चलिए ना। खालिद मेरी बात सुन। अच्छा मैं खुद जाता हूँ। खालिद 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 मेरी बात सुन। खालिद झूठ बोलू तो कौवा खाऊं। शौहर मिला है ऐसा जो रजिया भाभी के शौहर के जाने के बाद भोपाल का नवाब तक नहीं बन पाया, और बेटा मिला है ऐसा जिसके दिल में वो मुई नौकरानी की बेटी है। तो आपको दूल्हा चाहिए? अब ये भी बता दीजिए कि कैसा दूल्हा चाहिए। रईस, इतना रईस कि अगर उसकी 2-4 करोड़ चूहे कुतर भी जाए ना तो उसे पता भी ना चले। और अम्मी गुड लुकिंग होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, 6 packs होने चाहिए, बेसिकली नूर को क्रीक कोट चाहिए। अच्छा फिर तो तुम ना सलमान खान से निकाह कर लो। कर ली थी पर एज गैप, खानदान भी ऊंचा है, और क्या पता कोई 2-4 कवारे बेटे भतीजे ही मिल जाए। तो हस्बैंड के अंदर क्या होना चाहिए? गुड लुक्स, पैसा, घर और प्यार। प्यार? प्यार का क्या है, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है ना बड़ी अम्मी? सॉरी, इट्स ओके। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कौन है जिसे आपसे प्यार ना हो जाए? ये अजान का बच्चा जो अपने लिए तो लंदन वाली बहू ले आया है। मन तो कर रहा है जूती उठाकर यहीं मार दो। अरे अजान से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। ताई अम्मी, अजान नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं करूंगा नूर से निकाह। फिर से शुरू हो गया।
ये लड़की जरूर कुछ कांड करेगी। आप हमसे निकाह करेंगे ये कंडे लगा के? नूर, मम्मी, तुम्हें ने कभी कहा तुम्हें दौलत चाहिए ना? मेरे पास दौलत है, ये देखो 2500 रुपए तो ऐसे निकला, और मैं भोपाल का छोटा नवाब हूँ, तुम छोटी बेगम बनोगी। मर गई नूर, अपनी शक्ल देखिए आईने में, कंडल के बिना तो दिखता भी नहीं आपको। मगर तीन बार तो गैर अटकते हैं मेरा नाम लेने में आपके, और चलते ऐसे हो जैसे चप्पल टूटी हो। आए बड़े मुझसे निकाह करने वाले, जाइए छोटे नवाब, आप गुड्डी गुड्डियों से खेलिए। नूर से निकाह करना ना आपकी बस की बात नहीं है। चुप, कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। माफ कर दीजिए सूर्य बेगम, आप तो जानती हैं उसे बचपन से, जो मुंह में आता है वो बोल। यास्मीन बे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो हम लोग मांगने आए, अजान से वो दरगाह पर आ नहीं पाए ना, इसीलिए। सलाम अलैकुम। यास्मीन भी, हम नूर से बिल्कुल नाराज नहीं है, ऐसे सच ही कहा है नूर ने। खालिद उसके लायक नहीं है, इसे तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो पूरे भोपाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में ना हो, ऐसा लड़का जो रईस हो, नेक हो, ऊंचे खानदान का हो। झूठ बोलो तो कौवा खाओ, ऐसा लड़का तो सिर्फ एक ही है। अजान अख्तर मिर्जा, अरे यास्मीन भी, ये तो हमारे खानदान की रवायत है, हमारे भाईजान ने भी दो निकाह किए थे। तो अब हमारा भतीजा भी दो निकाह करे। असकर मियां, भाभी जान कहते हैं ना, बेटा हमेशा बाप के नक्शे कदम पर चलता है। और इनकी रकम भाई जान का ही तो खून है। पर परवरिश हमारी है, अजान के अब्बा ने जो गलती की थी वो अजान नहीं दोहराएंगे। अरे आप तो बुरा मान गई बहू बेगम, हम तो नूर की भलाई के लिए कह रहे थे। आपने भी तो इस नौकरानी को जुबान दी है। आपकी जुबान और नूर का दिल दोनों की इज्जत रह जाएगी। और हमारे अजान मियां के पास दोनों को बराबर देने के लिए दौलत भी। दौलत बांटी जा सकती है, मोहब्बत नहीं।
इंशाल्लाह नूर को ऐसा लड़का मिलेगा जो सिर्फ इनसे प्यार करेगा। लीजिए भाभी जान, आपकी होने वाली बहू तो अभी से आपके नक्शे कदम पर चल रही है। और इसीलिए अजान के लिए इससे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। मीठे माहौल को कड़वा करने का शुक्रिया असगर मियां। अब और कोई कसर रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लीजिए। बच्चों की हंसी मजाक को हंसी मजाक ही रहने दें तो बेहतर होगा। उसे कोई और मोड़ देने की कोशिश ना करें। अल्लाह करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। बिल्कुल रहेंगी बढ़िया।